तरीके से खौफ बढ़ा है नवाबगंज में, ये आप देख सकते हैं। हाल ही में अभी 4 से 5 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो तो आ ही गए हैं, लेकिन तत्काल ही और तुरंत ही मैं बात करूँगा, अगर 2 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। ये जिस गली में हम खड़े हुए, आदर्श नगर मोहल्ला कहलाया जाता है, नवाबगंज का ये मेन रोड है, इसके पास में ही है। इसमें बताया ये जाता है कोर्ट पे ऑफिशियल वर्क करने वाला जो व्यक्ति है उसको कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। 6 दिन पहले ही बुखार हुआ था, बुखार होने के बाद में क्या हुआ, वहाँ से इसकी जाँच की गई, जाँच में ये कल पता चला कि इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है। जैसे ही ये नवाबगंज प्रशासन को पता चला, तुरंत ही जो एरिया था वो हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया और कर्मचारियों ने आकर यहाँ पर बल्लियाँ भी लगा दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीमा है, बताया ये जाता है कम से कम 150 मीटर का जो एरिया है पूरा हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की अब कोई भी आवाजाही नहीं होगी, जो भी सुविधाएँ हैं दूध से लेके या ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ घरों में ही मुहैया कराई जाएंगी। किस तरीके से जो कोरोना का खौफ है नवाबगंज में बढ़ चुका है, ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी नहीं पता है कि कितने और अभी पॉजिटिव होंगे, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लोगों में एक दहशत सा माहौल बन चुका है। गाँव के लोगों की बात करूँ वो तो नहीं आ रही हैं, दुकानदार भी बहुत ज़्यादा सदमे में पहुँच चुके हैं, ये तरीका है। और अभी जब तक ये लॉकडाउन अनलॉक 2, लॉकडाउन में तो कोई केस नहीं मिलता था, लेकिन अनलॉक 2 में सबसे ज़्यादा केस जो हैं नवाबगंज में होने लगे हैं। इसलिए लोगों में दहशत भी हो चुकी है, घरों से नहीं निकल रहे हैं, एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका है। ये आगे कितने और लोगों को लेके डूबेगा कोरोना जैसी घातक बीमारी, या कितने और पॉजिटिव होते हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।